क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूँ, मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ। मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ। भारत भूमि पर गंगा के समान यदि कोई अन्य महिमामयी और मोक्षदायिनी सलीला है तो वो है क्षिप्रा। क्षिप्रा नदी के बारे में अवंती महामात्य में ये उल्लेख है कि भूमंडल पर क्षिप्रा के समान कोई अन्य पवित्र नदी नहीं है, जिसके समीप जाने मात्र से क्षण भर में ही सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। क्षिप्रा के बारे में ये भी उल्लेख है, क्षिप्रा क्षिप्रेति यो ब्रूयाद् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यः शिवलोकं स गच्छति। अर्थात जो कोई 100 योजन दूर से भी क्षिप्रा क्षिप्रा नामोच्चारण करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और शिवलोक अर्थात स्वर्ग को प्राप्त होता है। पाप नाशिनी मोक्षदायिनी क्षिप्रा का जन्म हुआ है ककरी बरड़ी पहाड़ी के अंतस्थल से। अति रमणीय ये स्थान इंदौर से लगभग 20 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में उजैनी गांव के समीप स्थित है। इस पहाड़ी से जन्म लेने के साथ ही ये इंदौर और देवास जिलों के पठारों और मैदानों से होती हुई उज्जैन जिले में प्रवेश करती है। उज्जैन नगर से दक्षिण में लगभग 4 किलोमीटर दूर नवग्रह शनि मंदिर के समीप यह इंदौर से आई खान नदी से मिलती है और अपनी उज्जैन यात्रा आरंभ करती है। अपने उद्गम स्थल से लगभग 192 किलोमीटर दूर की यात्रा पूर्ण कर क्षिप्रा नदी गांव कालूखेड़ी के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। इसका संगम स्थल शिपावरा के नाम से जाना जाता है। ये स्थान मंदसौर जिले के सीतामऊ नगर से लगभग 16 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उज्जैन नगर के लिए क्षिप्रा नदी का विशेष महत्व है। ये पवित्र नगर समुद्र सतह से 1688 फीट की ऊंचाई पर पर्वतराज विंध्य के मनोरम मंचल में पुण्य सलिला क्षिप्रा के मनोहारी पूर्वी तट पर बसा हुआ है। क्षिप्रा के किनारे ही भूत भावन भगवान महाकालेश्वर का मंदिर स्थित है। यहाँ का शिवलिंग भारत के सभी शिवलिंगों से बड़ा है। क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर अनेक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं। भारत के 4 स्थानों में सिंहस्थ का मेला लगता है। इन्हीं में से एक उज्जैन में क्षिप्रा तट पर स्थित रामघाट भी है। प्रत्येक 12 वर्षों में यहाँ कुंभ का मेला लगता है, जिसमें लाखों धर्मप्राण श्रद्धालु क्षिप्रा में स्नान के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ साल भर विभिन्न धार्मिक आयोजनों में क्षिप्रा स्नान का अपना अलग ही महत्व है। रामघाट से कुछ ही दूरी पर क्षिप्रा के पूर्वी तट पर वीर दुर्गादास की ऐतिहासिक छतरी भी स्थित है। वीर दुर्गादास राठौर ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए मुगलों के विरुद्ध 25 वर्षों तक संघर्ष किया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 2 वर्ष उज्जैन में बिताए थे। उनके शवदाह स्थल पर बनी ये छतरी
अपनी बनावट और सुंदर नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। इसके खंभों पर उकेरी गई सुंदर आकृतियां देखते ही बनती हैं। दुर्गादास की छतरी से कुछ ही दूर क्षिप्रा के साथ चलने पर इसके पूर्वी तट पर भर्तृहरि गुफा स्थित है। चक्रवर्ती विक्रमादित्य के अग्रज राजा भर्तृहरि ने राजपाट को त्याग कर यहाँ 12 वर्षों तक तपस्या की थी। भर्तृहरि गुफा से आगे लगभग 1 किलोमीटर दूर क्षिप्रा तट पर राजा भद्रसेन ने काल भैरव का विशाल मंदिर बनवाया था। पुण्य क्षिप्रा के पूर्वी किनारे पर ही महर्षि सांदीपनी का आश्रम भी स्थित है। पुराणों के अनुसार सांदीपनी ऋषि के इस आश्रम में आकर श्री कृष्ण और बलराम ने विद्या प्राप्त की थी। लगभग 4000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहीं पर गोमती कुंड भी स्थित है। सांदीपनी आश्रम के पास ही क्षिप्रा के पूर्वी तट पर एक टीले पर मंगलनाथ का मंदिर स्थित है। मंगलनाथ जी का ये जन्म स्थान है। और कर्क रेखा भी यहीं से होकर गुजरती है। क्षिप्रा के दक्षिणी तट पर सिद्धवट का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। प्रयाग के अक्षय वट के समान ही उज्जैन के सिद्ध वट का अपना विशेष महत्व है। ये पिंड तर्पण का प्रमुख स्थान है। सिद्ध वट से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित है प्रसिद्ध कालिया देह महल। क्षिप्रा के तट पर ये पौराणिक सूर्य का स्थान रहा है। नसीरुद्दीन खिलजी के समय यहाँ क्षिप्रा की नहर निकालकर एक द्वीप पर महल का निर्माण करवाया गया। महल की गुंबद से फारसी वास्तुकला स्पष्ट झलकती है, लेकिन आज यह महल अत्यंत ही जर्जर स्थिति में पहुंच चुका है। इसी के पास ही क्षिप्रा की नहर में एक भव्य स्नानागार स्थित है। इसमें 52 कुंड हैं। इसमें कई सुंदर छत्रियां भी हैं। खिलजी सल्तनत के स्नानागारों के नमूनों का ये एक उत्कृष्ट उदाहरण है। स्नानागार की मेहराबें इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। क्षिप्रा के उत्तरी तट पर ही उज्जैन की प्रमुख वेदशाला स्थित है। ये जंतर मंतर के नाम से भी विख्यात है। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने सन 1719 में ज्योतिष विज्ञान के इस महत्वपूर्ण केंद्र की स्थापना की थी। नक्षत्रों के अध्ययन का केंद्र बनाया था। खगोल अध्ययन के लिए यह अत्यंत ही उपयोगी स्थान है। क्षिप्रा, जिसे मोक्षदायिनी और समस्त पापों से मुक्ति देने वाली माना जाता है, उसे आज देखें तो पाएंगे कि हम लोगों ने अपने कृत्यों से इसके दामन को इतना गंदा कर दिया है कि इसका जल मोक्षदायक साबित हो या न हो, किंतु रोग
सुखदायक अवश्य ही साबित हो रहा है। सवाल उठता है कि आखिर किस प्रकार होता है इतना प्रदूषण क्षिप्रा में। क्षिप्रा के तराई क्षेत्र में लगभग 5,370 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र आता है। उसमें से लगभग 57% क्षेत्र कृषि योग्य है, 4.5% वन क्षेत्र है और 3% क्षेत्र रिहायशी है। इस क्षेत्र में लगभग 17 लाख से अधिक आबादी निवास करती है। इन तराई इलाकों में मिट्टी का बहुत अधिक कटाव और मृदा अपरदन हो रहा है। वर्षा के पानी के साथ ही बड़ी मात्रा में खेतों के रासायनिक खाद, कीटाणुनाशक दवाओं के अवशेष तथा इस क्षेत्र के कारखानों का गंदा प्रदूषित पानी और उनमें घुले जहरीले रासायनिक पदार्थ भी क्षिप्रा में आकर मिलते हैं, जिससे क्षिप्रा प्रदूषित होती है। क्षिप्रा नदी में प्रदूषण का एक कारण यह भी है कि इसमें वर्षा काल के बाद पानी की आवक समाप्त हो जाती है और रुका हुआ पानी ही नदी के विभिन्न स्थानों में उपलब्ध रहता है। ठहरे हुए जल में जलकुंभी भी अधिक विकसित होकर पानी को प्रदूषित करती है। मुख्य प्रदूषण तो इंदौर की खान नदी से हो रहा है, जिसमें इंदौर के आवासीय और औद्योगिक क्षेत्र का प्रदूषित गंदा पानी बहता है और क्षिप्रा में उज्जैन के पास नवग्रह शनि मंदिर के समीप आकर मिल जाता है और उसे प्रदूषित कर देता है। क्षिप्रा नदी से उज्जैन नगर में पीने के पानी का प्रदाय भी किया जाता है, इसलिए जल प्रदूषण कई जानलेवा बीमारियों का कारण भी बनता है। क्षिप्रा के चक्रतीर्थ घाट पर दाह संस्कार किया जाता है और अस्थियां, राख, फूल आदि सब नदी में ही डाल दिए जाते हैं। पानी का बहाव नहीं होने के कारण राम घाट, चक्रतीर्थ घाट और सिद्धवट घाटों पर लोगों के नहाने, साबुन का प्रयोग करने और कपड़े धोने के कारण अत्यधिक प्रदूषण बढ़ जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद नदी का धार्मिक स्वरूप तो यथावत बना हुआ है। प्रतिवर्ष स्थानीय और बाहर से आने वाले हजारों लाखों लोग विभिन्न पर्वों और त्योहारों पर स्नान करने अभी भी आते हैं। क्षिप्रा नदी के स्वच्छ और निर्मल स्वरूप को बनाए रखने के लिए और लाखों लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह अति आवश्यक है कि नदी में बढ़ते जा रहे प्रदूषण को रोका जाए और यही नहीं, उसके लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।